अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज की वीडियो में हम वर्बल एमसीक्यूज़ को देखने जा रहे हैं, ठीक है। और जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास, बल्कि वर्बल तो इंग्लिश में आ जाते हैं, चलें इसको हम नहीं करते अभी, लॉजिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास जो, क्योंकि आजकल जो वीडियोज़ चल रही हैं वो चल रही हैं अल्फ़ाबेटिक रीजनिंग या अल्फ़ाबेट सीरीज़ की, तो इसलिए हम उसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फ़ाबेट सीरीज़ के ओपन हो गया। अब यहाँ पे ज़रा देखें, ए जी जी टी एम एन एन वाई बी, आप इसके ज़रा के बी ए बी सी से देखें तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनता है, लेट मी मेक अ सीक्वेंस, जिसमें आपने एक सीक्वेंस किस तरह बनाना है, लेट मी टेल यू। और यहाँ पे जो है सीक्वेंस कुछ इस टाइप का बनेगा कि आपने ए बी सी की नंबरिंग कर लेनी है, लाइक ए वन बी टू सी थ्री डी फोर, इस तरह करके ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ठीक है। ये काम कर लेना है आपने। अब इसमें नंबरिंग कर लेनी है, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। अब आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14, तो इसका जो नंबर इंग्लिश में वो भी 14 है। ऑक्सीजन आपको पता है 16 होता है, लेकिन इसका इंग्लिश में एटॉमिक नंबर, इंग्लिश में जो नंबर है 15 है। पी 16 क्यू 17 18 19 20, और आपको पता है यू क्या होता है, यूनिटी, यूनिटी का मतलब आखिर में वन आएगा, तो 21 इसका नंबर होता है, ठीक है। 22 23 24 25 एंड 26। अब इसमें हमारे पास ए जी पहला कॉम्बिनेशन है, ए जी, यहाँ पे दो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, एक ए का बन रहा है और एक जी का बन रहा है। पहले हम ए वाले देख लेते हैं। अब ए वाले जो आपके पास कॉम्बिनेशन है वो है ए जी एम। अब नेक्स्ट जो मिसिंग है ना, वो हम वहाँ में, हमें वहाँ पे ए वाला कॉम्बिनेशन भी बताना है और जी वाला भी बताना है। हम पहले ए वाला देख लेते हैं, ए जी ए जी टी एम ए जी एम ए जी एम में कितना डिफरेंस है, ए वन है, जी जो है 7 है और एम जो है 13 है। तकरीबन कितने का डिफरेंस है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच का डिफरेंस है, तो एम के बाद भी पाँच का डिफरेंस आना चाहिए, एक दो तीन चार पाँच, तो यानी एस आएगा, ठीक है। अब एस आ गया, हमें पता चल गया, तो हम इसको कर लेते हैं कि भाई हमारा एस ठीक है, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। वो देखें बता रहा है कि फर्स्ट लेटर मूव सिक्स स्टेप्स फॉरवर्ड, सेकेंड लेटर मूव सिक्स स्टेप फॉरवर्ड। अब जब एक से हमें पता चल गया कि एस पहला एस आ रहा है, तो डेफिनेटली हमें दूसरा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद ए जी, अब ज़रा ये सॉल्व कर लेते हैं, ए जी सी एक्स एफ यू, ए जी सी एक्स एफ यू, वही इंग्लिश के लेटर आपने लिख रहे हैं, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। ए सी और एफ, ए सी एफ का अगर आप कॉम्बिनेशन देखते हैं तो ए वन है, सी थ्री है, एफ आपके पास सिक्स है। कितने का गैप दे रहे हैं, आपने पहले ए का गैप दिया, फिर दो का गैप दिया, अब एफ के बाद डेफिनेटली आप तीन का गैप देंगे, तो आपके पास जे आएगा, तो यानी जे वाला, जे वाला कौन सा है, सी ऑप्शन है। तो हम इसमें पुट कर लेते हैं यहाँ पे और देन चेकआउट कर लेते हैं, बिल्कुल हमारा ये भी ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। अब इस एमसीक्यू को देखते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, मैं ज़रा पेज को तब्दील कर लूँ, चेंज कर लूँ, एक्सचेंज कर लूँ, सब कुछ कर लूँ, तो फिर जो है हम इसको मूव करते हैं नेक्स्ट। बड़े आसान क्वेश्चन है, बड़े मज़े से होते हैं, सिंपल से हैं, बस आपको ए बी सी जो है वो याद रखनी है। फिर आपके पास ए जी बी वाई सी एक्स, आपको पता होना चाहिए अब क्या आएगा। देखें आप अगर सिंपल कॉमन सेंस यूज़ करें, यहाँ पे तो कोई कॉम्बिनेशन भी नहीं बनता, यहाँ पे सी के बाद क्या आएगा, डेफिनेटली डी आएगा। और अगर वो जो दूसरा कॉम्बिनेशन देखें वो है जी वाई एक्स, तो डेफिनेटली पीछे को जा रहा है, अब क्या आना चाहिए, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू किस में, ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है, तो आपका सिंपल आ गया। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। अब यहाँ पे तीन लेटर्स आ गए, ये भी बड़े मजे के हैं, डी के वाई। अब यहाँ पे तीन कॉम्बिनेशन है, अब जो आप बस अपने याद रखना है, ये जो कॉमा लगा हुआ है ना, कॉमे के पहले तीन कॉम्बिनेशन दूसरे के कॉम्बिनेशन से मिलते जुलते हैं। जो पहले देखें, जो आपके पास ये वाला पहला लेटर है, मैं जरा यहाँ पे इसको यूज़ कर लूँ, ये वाला पहला लेटर है, ये दूसरा लेटर, ये तीसरा लेटर, इसी तरह इसका जो पहला लेटर है वो इससे मिलता जुलता है, ये डी से मिलता है, यानी डी से कॉम्बिनेशन है उसका। अब हम ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं इसको एंड करके चलें। अब जो डी देखें ना, अब यहाँ पे पूरा कॉम्बिनेशन है, इसमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन मिलते हैं, तो इसमें मिलने वाले हैं डी एफ एच एंड जे। अब ज़रा हम इन्हीं का सीक्वेंस देख लेते हैं, डी एफ एच जे। तो डी आपके पास है जी, लेट मी चेक इट, डी जो है चार पे है, ठीक है, चार। उसके बाद एफ, एफ जो है आपके पास छः पे, चार छः। उसके बाद जी आपके पास एच, वो है आठ पे, आठ। तो अब डेफिनेटली दस पे आना चाहिए, जो कि जे है, बिल्कुल दस पे आ गया। तो अब दस के बाद क्या होना चाहिए, बारह होना चाहिए, तो बारह यहाँ पे आपके पास क्या है, एल। अब आपके पास आंसर में स्टार्ट में एल आएगा, तो आपके पास एल है, बिल्कुल एल है। अब ज़रा देखो कि कौन कौन से ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। अब हमने सेकंड को देखना है, अगर इसका क्लियर हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर दो एक जैसे ऑप्शन आ रहे हो तो अपने सेकंड को देख रहे हैं। अब अगर सेकंड को देखा जाए तो आपके पास कौन सा बनता है, ठीक है, सेकंड को देखते हैं कि भाई आपके पास के है, उसके बाद जे है, उसके बाद आई है। आप ज़रा इन्हीं से देख लेते हैं, के जे आई, के जे आई, तो के जे आई, देखिए कोई कॉम्बिनेशन नहीं छोड़ रहा वो। फिर आपके पास उसने डायरेक्ट दे दिया एच, फिर आप डेफिनेटली जी देगा, तो एल जी, एल जी वाला ऑप्शन है आपके पास, बिल्कुल है, तो आप एल जी से वो कर देंगे, उसको मतलब डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, एस आई वाई। अब आपको पहला उसने स्किप किया हुआ है, आप ज़रा देखें तो
एस के बाद देखें एस और दूसरे कॉम्बिनेशन में पहले ओ आ रहा है, मतलब ये जो है पीछे को जा रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो हमारा पहला स्किप वैल्यू है ये एस के बाद की वैल्यू है। अब देखते हैं एस और ओ और के में कितना डिफरेंस है, तब हमें पता चलेगा कि पहले कितना डिफरेंस था। एस ओ और के, एस है जी 19 नंबर, ओ है जी 15 नंबर, के है जी और वो है आपके पास 11 नंबर, ठीक है। और फिर आपके पास जी है, जी कौन सा नंबर है 7 नंबर। फिर आपके पास है जी सी जो कि 3 नंबर है। अब ज़रा देखें तो 19 से 15 4 स्किप किए हुए आपने, फिर 14 से 15 से 11 फिर 4 स्किप किए हुए, 11 से 7 फिर 4 स्किप किए हुए, 7 से 3 फिर 4 स्किप किए हुए। तो अब डेफिनेटली अब क्या आना चाहिए, अब जो है आपके पास एस के बाद आपने कितने स्किप करने हैं, 4 स्किप करने हैं, तब आपके पास आंसर आएगा। ए टी स्किप किया, यू स्किप किया, वी स्किप किया, तो डब्ल्यू आएगा। अब ज़रा देखते हैं डब्ल्यू ऑप्शन है, बिल्कुल डब्ल्यू में, डब्ल्यू तो ऑप्शन है लेकिन सारे डब्ल्यू में भाई, अभी तो हमने और देखने हैं। अब देखते हैं आई वाले को जो सेकंड कॉम्बिनेशन है, जो एस के बाद आई है। अब देखें आई, दूसरे वाले का ई, तीसरे का ए, चौथे का डब्ल्यू, पाँचवें का एस, तो ये आगे को जा रहा है। देखें लेकिन ए कैसे आ गया यहाँ पे, ये यहाँ से थोड़ा कॉम्बिनेशन ख़राब कर रहा है, लेकिन ज़रा हम देख लेते हैं इसको कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट बनता है, ठीक है। या आप ये कर लें कि आखिरी लेटर को देख लें वाई, अगर आपको इस कॉम्बिनेशन ख़राब लग रहा है तो आखिरी लेटर से देख लें, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। वाई उसके बाद यू क्यू एम आई, अब ज़रा देखते हैं तो ये आपको पता है पीछे जा रहा है। अब वाई का जो नंबर है हमारे पास, वाई का नंबर है जी 25, ठीक है। और देन नेक्स्ट मूव करते हैं तो वाई के बाद 25 नंबर है, 25 नंबर से हम मूव किया यू पे, तो यू का जो है 21 है, ठीक है। और देन हमने क्यू पे मूव किया तो क्यू का जो नंबर है दैट इज़ 17, तो ये भी एक 4-4 का कॉम्बिनेशन चल रहा है, ठीक है। अब देखें हमारे पास वाई है, तो डेफिनेटली अब वाई से आगे वाई में आपने 4 ऐड कर देने, वाई का 25 है आपने 4 ऐड कर देने, ये हो जाएगा 26, 1, 2, 3, तो 3 जो है इसमें जो 4 होगा, 4 आपका आंसर होगा डी, यानी आपके पास सी आना चाहिए। तो सी जो है किस में आ रहा है, डी में। हम लगा के चेक कर लेते हैं, देखें हमारा बीच वाले को हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें जो है अपने पहले और आखिरी कॉम्बिनेशन से हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। तो इस तरह जो है ये बड़े मज़े से होते हैं, आसानी से होते हैं। मैं भी फ्री था तो सोचा क्यों ना आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करवा दी जाए, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते एंड जो है वो बस वीडियो देख लेते हैं, तो वो भी चीज़ इनफ नहीं है, ये प्रैक्टिस करनी है साथ साथ। अब देखें हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं भी कर पाते, कोई मसला नहीं है, लेकिन उससे आपको एक माइंड मतलब एक वो बन जाता है कि क्वेश्चन करने कैसे हैं। चलें अब हम इसका जो है कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास, 6 क्वेश्चन हो गए, इसके 10 करके ना आगे चलते हैं, हम किसी और के अटैम्प्ट करते हैं फिर, ताकि आपको एक वो भी हो कि हम सबके कर रहे हैं, ऐसा ना हो आप समझें कि हम एक एक करके जान छुड़ा रहे हैं, लोग ऐसी बात नहीं है। अब ज़रा इसमें देखते हैं सी एम डब्ल्यू, मैं ज़रा यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है लेटर का वो खोल के ओपन करके रख लेता हूँ, ताकि ये आपने लिख के रख लेना है, ताकि आपको जो है मसला ना बने, ठीक है। अच्छा अब ज़रा हम इसमें देखें तो सी एम, हम ज़रा सी को देख लेते हैं, सी एच, अब आगे स्किप है, फिर आपके पास बी, फिर सॉरी आर, आर फिर डब्ल्यू एंड देन बी। अब देखिए सी और एच में कितना कॉम्बिनेशन है, सी की वैल्यू 3 है, एच की वैल्यू आपके पास है जी 8, और अब नेक्स्ट वाला स्किप है और देन आपके पास आर की वैल्यू आ रही है 18। तो आप ज़रा खुद देखें कितने का स्किप छोड़ रहे हैं, हम 5 का स्किप छोड़ रहे हैं, अगर आगे 8 के बाद हम 5 का स्किप छोड़ें तो कितना आता है, 8 के बाद 5 का छोड़ें, 1, 2, 3, 4, 5 एन आएगा 14, तो 14 के बाद दोबारा हम 4 का छोड़ना पड़ेगा, जो कि कॉम्बिनेशन ख़राब कर रहा है, ठीक है। आपने पहले 5 का छोड़ा, फिर आपको 5 का छोड़ेंगे तो वो 14 पे चला जाता है, तो अब जो है आपको ये मतलब कॉम्बिनेशन यहाँ पे ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लास्ट में से स्टार्ट करें, आखिरी बी है, बी के बाद बी से पीछे आना है, डब्ल्यू आया हुआ है, बी की वैल्यू 2 है, डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास है जी 23, तो यहाँ पे कितने का गैप है, देखिए 1 का गैप है और आप बीच में जो इसके आपके पास 24, 25, 26, तो आपके पास 3 और 1, 4 का गैप है, ठीक है। तो यानी इन्होंने इधर 4 का गैप रखा, वो ये कर रहे हैं कि एक दफ़ा 5 का गैप, एक दफ़ा 4 का गैप, एक दफ़ा 5 का गैप, एक दफ़ा 4 का गैप, तो इस तरह बनेगा। तो अब ये है कि एच के बाद कितना है, एच का नंबर 8 है, आपने 4 का कॉम्बिनेशन लिया, पहले 5 का लिया था ना, सी से एच तक आपने 5 का कॉम्बिनेशन लिया था, अब जो है आपने 8 से आगे उसमें 4 ऐड करने 12, तो 12 नंबर पे हमारे पास कौन सा लेटर है, 12 नंबर पे एल लेटर है, तो हम एल पे रख लेते हैं। तो अब देखें हमारे पास बी और सी दो ऑप्शन है एल के, तो अब हमारे पास एक दो लेटर कंफर्म हो गया। अब बीच वाला आप कंफर्म करें, आखिरी कंफर्म करें, आपको उससे क्लियर हो जाए, क्योंकि वो दोनों का डिफरेंट है। तो ज़रा हम डब्ल्यू को देख लेते हैं, जो इसका थर्ड कॉम्बिनेशन है, डब्ल्यू बी एल क्यू वी। अब देखिए डब्ल्यू का जी आपके पास है 23, इसका 2, बी का 2, और एल का आपके पास है जी 12। तो देखिए कितने कितने का आप डिफरेंस रख रहे हैं यहाँ पे, 23, 24, 25, 26, 27, 25, 26 और 1, 4 का डिफरेंस रखा, फिर आपने फिर 10 का डिफरेंस रखा, और Q की वैल्यू कितनी है जी, 10 का डिफरेंस नहीं रखा क्योंकि वो बीच में लेटर मिस है ना,
जो बीच में लेटर मिस है, बी के बाद लेटर मिस है, ठीक है। फिर आपने 12 आया यहाँ पे आपके पास। फिर हम ज़रा देख लेते हैं एल से क्यू का डिफरेंस कितना है। एल है जी आपके पास 12 और क्यू है जी आपके पास 17 कितने का डिफरेंस है, 5 का तकरीबन। हर जगह वो 5 का डिफरेंस रख रहा है, एक दफ़ा 4 का, एक दफ़ा 5 का। तो डेफिनेटली बी से एल तक वो कितने का डिफरेंस रखेगा, डिफरेंस रखेगा 5 का। बी का नंबर 2 है, 2 के बाद 5 गिने, 1 2 3 4 5, तो एच आना चाहिए। तो आपके पास जो आखिरी लेटर है वो उसका एच नहीं आएगा बल्कि जी आएगा, ठीक है, तो जी आएगा। तो अब हम ज़रा जी वाला कर लेते हैं कि जी जो हमने सेलेक्ट किया वैसे को चेक कर लेते हैं, बल्कि ये गलत हो गया। तो एल वी एफ होगा हमारे पास, लगता है ज़्यादा ही गलत कर दिया हमने। चलें ये तो बहुत ही गलत हो गया। लेटर मूव्स फास्ट 5 steps फॉरवर्ड, अच्छा मतलब 5 का उन्होंने सीख कर रखा है। चलें कोई नहीं, हो जाता है। अच्छा इतने क्वेश्चन के काफ़ी हैं, हम ज़रा चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसमें देखते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है ये वाले, ये भी बड़े मज़े के हैं। अब आपको यहाँ पे कह रहा है कि नहीं द गिवन वर्ड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज द दैट वन कम फर्स्ट। अब आप कहेंगे भाई डब्ल्यू तो सब में आ रहा है, बिल्कुल। आपने क्या करना है, इनके हर एक लेटर को कंपेयर करना है। अब डब्ल्यू तो सब में आ रहा है तो ऑप्शन तो सारे आपके पास, ठीक है। फिर आपने इनका पहला ऑप्शन देखना है। अब देखिए पहले ऑप्शन में जो डब्ल्यू के बाद वर्ड है, क्योंकि डब्ल्यू तो सब में स्किप मारा था, हमने डब्ल्यू को स्किप कर दिया, बाकी हमने लेटर देखना, डब्ल्यू स्किप हो गया। बाकी दूसरा जो लेटर है ए ए ए आर, अब आर वाला तो आपको पता है ए बी सी में आर पहले आता है या ए पहले आता है, ए पहले आता है, तो आर वाला ड्रॉप हो गया, ऑप्शन डी निकल गया, ऑप्शन ए बी सी रह गया, ठीक है। अच्छा अब दूसरा लेटर सेम हो गया, तीसरा लेटर देखते हैं इनका, पहले का एस, दूसरे का एस, तीसरे का आर। तो अब आपके पास एस पहले आता है या आर पहले आता है, आपको पता है आर पहले आता है, सो वार वाला जो वर्ड है वो बेस्ट होगा, ठीक है। वार बेस्ट वेस्ट रिंकल, बहुत सिंपल है, बस एक सीरीज आपने बतानी है। अरे अब आपने फिर ये बताना है कि साइंस वाला वर्ड, अब देखें साइंस में हम अगर सिंपल देखें तो पहले 2 वर्ड तो सबके सेम है, फिर आई आर आर और देन आर, आपको पता है आई पहले आता है बाकी आर वो सारे बाद में आते हैं, तो हमें क्लियर हो गया। इसके बाद इंटेलेक्ट, आई एन सबका सेम है, टी सबका सेम है, ई सबका सेम है, ठीक है। फिर एल है, एल पहले आता है या एन पहले आता है या जी पहले आता है, आपको यहाँ पे क्या लगता है कौन सा पहले आता है, तो मैं कहता हूँ कि जी पहले आता है, तो आपके पास ये पहले ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद नेचर, एन ए एन ए सबका सही है। उसके बाद टी पहले आता है या आर पहले आता है या एस पहले आता है, तो आपको पता है आर एस टी, आर सबसे पहले आता है, तो आर जो है सी ऑप्शन में है हमारे लिए, जो है हमारे पास ये वाला ठीक है। अरे इन द गिवन वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूज द वन दैट कम्स फर्स्ट, ठीक है। डिक्टेट, डी आई सबका सेम है। उसके बाद सिंपल सी बात है ए पहले आया हुआ इसमें, तो आपके पास ये वाला ठीक होगा, ठीक है। उसके बाद प्रेज, पी आर सबका सेम है। फिर ए ए ए और सब में ए है वो भी सेम हो गया। अब आई पहले आता है, सी पहले आता है, एन पहले आता है या सी पहले आता है, तो आपको पता है सी पहले आता है। अब ऑप्शन बी और डी आपके पास रह गए, फिर टी भी सेम है, फिर आई दोनों में सेम है, फिर आपके पास सी पहले आता है या ई पहले आता है, आपको पता है सी पहले आता है, सो वी कैन से प्रैक्टिकल इज़ अ राइट ऑप्शन देयर। उसके बाद इस पे चलते हैं एनिमेट। अब आपने ऐसे एम्स हो सकते हैं ना किए हों, लेकिन आ सकते हैं क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग में है, सो लॉजिकल रीजनिंग में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। इसके हम 10 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। उसके बाद एनिमेट, ए एन ए एन सबका सेम है। फिर आपके पास आई आता है, जी आता है और के आता है, आपको पता है जी पहले आता है, सो वी कैन सी ऑप्शन सी इज़ द राइट देयर, लेट्स चेक इट, ऑप्शन बिल्कुल सही ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रो, प्रोसीड, प्रॉब्लम एंड प्रो, देखें प्रो सबका सेम है, तकरीबन सबका सेम बिल्कुल। उसके बाद आपके पास बी आ रहा है सब में, मतलब पहले और पहले तीसरे और चौथे में बी आ रहा है, क्योंकि सी वाला तो निकल जाएगा, बी आ रहा है। लेकिन फिर अगर देखें तो ई पहले आता है, एल पहले आता है या ए पहले आता है, आपको पता है ए पहले आता है, तो वी कैन से ऑप्शन डी इज़ द राइट देयर। उसके बाद ग्रुप, जी आर सबका सेम नहीं है बल्कि यहाँ पे गलत है, सो यू बाद में आता है, सी ऑप्शन तो स्किप हो गया, पहला दूसरा और तीसरा रह गया, ठीक है। उसके बाद ओ दोनों में आ रहा है, यू टी, ठीक है, एस टी यू वी, टी पहले आते हैं बाकी बाद में आते हैं, आर आपके पास पहले आता है, ठीक है, और ए पहले आता है, सो ऑप्शन सी तो था नहीं हमारे पास, और ए वाला ग्रोन सी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट वन। उसके बाद चलते हैं जी लास्ट टाइम से क्यों हमारा इसका, और इन द गिवन वर्ड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूज श्रिंक, एस एच, देखिए वो उसने बल्कि पहले क्लियर कर दिया, बी ऑप्शन तो निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए सिंपल आपके पास जो वैल्यूज़ हैं इट वुड बी लाइक एच पहले आते हैं, सो वी कैन सी बी जो निकल जाएगा, ठीक है, एस एच एस एच एस एच, ठीक हो गया। उसके बाद श्रिंक, आर भी सब में सेम है, फिर आई सब में सेम है, फिर एन और आई एल, तो मुझे बताएं क्या पहले आता है, ठीक है, एल पहले आता है या एम पहले आता है, तो आपको ये पैसे पहले याद रखना है, एल पहले आता है, तो अब एल वाले को हमने देखना है, सो हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो राइट होगा, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हमने पहले वाले किए अल्फाबेटिक टेस्ट, हमने आई थिंक सो कर लिया, बिल्कुल हमने ये कर लिया अभी, ठीक है, और उसके बाद एनालॉजी रह गई है, अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़। अब अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ जो है ये भी कुछ इस तरह से ही हैं,
आपने जो इनका वर्ड का सीक्वेंस देखा है, 1 2 3 4 है, 5 डेफिनेटली आगे ही उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 5 से ऑनवर्ड दोबारा उल्टा चलने लग जाएगा, टू लाइक आई थिंक सो ये होगा, या जो है आपके पास केवल वैल्यू होगी, बल्कि ये कोई नहीं है। चले हम ये करते हैं, अभी इसको इतना हम नहीं जा रहे, ठीक है। जो आसान आसान से वो करते हैं, एनोलॉजी जो है वो आपको यहाँ पे बड़े मज़े के हैं और ये आ जाते हैं। एमडी कैट ने लास्ट टाइम भी आए हुए थे, सो आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अब इसमें अगर देखें तो आपके पास है कंप्लीट एनालॉगस पेयर। देखिए मून सेटेलाइट, मून जो है वो एक सेटेलाइट है। अब आर्टिफिशियल है या जो है मैन मेड है वो हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। मून एक सेटेलाइट है, तो अर्थ जो है वो एक प्लैनेट है, ठीक हो गया। उसके बाद फोरकास्ट फ्यूचर, फोरकास्ट जो है वो फ्यूचर का किया जाता है, ठीक है, आने वाले टाइम का। रेगुलेट जो है वो पास्ट का किया जाता है, कि आपको अफसोस हो रहा है कभी कुछ गलत कर दिया, तो पास्ट का होगा डेफिनेटली, फ्यूचर का तो रेगुलेट नहीं होगा ना, वो तो अभी कुछ किया ही नहीं आपने। उसके बाद इन्फ्लुएंजा जो है वो एक वायरस है। टाइफाइड जो है वो क्या है, टाइफाइड जो है वो आपके पास एक बैक्टीरिया है, सो वी कैन से ऑप्शन डी राइट देयर। उसके बाद फियर जो है थ्रेट, यानी आप कॉम्बिनेशन देखें कि आपको पहले डर लगा उसकी वजह से आपको फेयर हुआ, थ्रेट कोई आपको खतरा था जिसकी वजह से आपको क्या हुआ फेयर। तो एंगर था, एंगर किस वजह से हुआ आपको, ठीक है, फोर्स की वजह से हुआ, प्रोवोकेशन, कंपल्सन, पैनिक कंडीशन भी हो सकती है। सो इसके बाद या फोर्स वगैरह हम कर लेते हैं, ये भी नहीं है, कंपल्शन, प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन सही बनता है, फर्स्ट अराइज फ्रॉम द सेकेंड, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद मेल्ट लिक्विड, क्या लिक्विड होता है, मेल्ट लिक्विड जो है वो मेल्ट होता है। अब फ्रीज क्या होता है, आइस, सॉरी आइस फ्रीज नहीं होता, क्रिस्टल फ्रीज होते हैं, या सॉलिड, सॉलिड फ्रीज होते हैं, चलें ठीक है, सही बता रहा है, यहाँ मिस्टेक कर दी, चलें कोई नहीं, थोड़ा करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाती है। क्लॉक जो है वो टाइम बताता है, ठीक है। थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर बताता है, हीट बताता है। उसके बाद मुस्लिम जो है मस्जिद में जाते हैं, तो सिख जो है वो कहाँ जाएंगे, टेम्पल में जाएंगे, सिख गुरुद्वारा में जाएंगे। उसके बाद पा जो है किसके होते हैं, कैट, हूफ किसके होते हैं, हॉर्स के, या कह लें इसके बिल्कुल। आई जो है मायोपिया, यानी आई की डिजीज़ जो है मायोपिया, टीथ की डिजीज़ क्या होगी फिर, अब टीथ की डिजीज़ हम देख लेते हैं, हमें यहाँ पे इसका पता नहीं है, तो पायरोपिया ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद ट्रैक्टर जो है वो ट्रालर, यानी ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉलर होता है, तो हॉर्स के पीछे जो है कार्ट होगा। स्क्रैबल राइट, स्क्रैबल से आप राइट करते हैं, स्टैमर ठीक है, तो दैट्स यू कैन से फॉर स्पीकिंग। एंड उसके बाद इरेट, बुक्स, फ्लॉज, मैन्युस्क्रिप्ट्स, दैट वुड बी स्पीच, नो चार्टर होगा, मेटल्स चलें ओके। उसके बाद गन, बुलेट, यानी गन से निकलता है बुलेट, चिमनी से क्या निकलता है, धुआं। तो कॉम्बिनेशन देखना है, ब्रीज, साइक्लोन, ड्रिजल, स्टॉर्म या फ्लड लाइक, यू कैन सी अर्थक्वेक, ड्रिजल, डाउन। चलें इसके हमने तकरीबन एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। कार, गैरेज, कार कहाँ पे खड़ी होती है, गैरेज, एरोप्लेन कहाँ पे खड़ा होगा, पोर्ट पे, या सॉरी डिपोर्ट पे नहीं, हैंगर, हार्बर, हैंगर पे, ठीक हो गया। चलें उम्मीद करता हूँ कि अकेले क्लियर हो गए होंगे, इस तरह के सम टाइम आते हैं तो हमें आने चाहिए। एंटोनिम्स, उल्टे बताने, तो ये जो है मतलब वकैब के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्थमेटिकल रीजनिंग, देखते हैं हमारे पास ये वाले आते रहते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, आपको ये हुआ वो हुआ तो ये बताओ, ये लॉजिकली थिंक करके बताने वाले होते हैं। ब्लड रिलेशंस होते हैं, ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं और कौन से यहाँ पे एमसीक्यूज़ बहुत सारे हैं। वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, अच्छा ये वाले बड़े मजे के हैं, ये वाले आते भी हैं और हमें करने भी हैं। आपने इनसे वर्ड बताना है फ्रॉम विच कैन नॉट बी मेड, कौन सा वर्ड नहीं बन सकता। आपने क्या करना है, जो वर्ड कारपेंटर लिखा हुआ है ना, इसमें से देखना है कौन सा नीचे ऐसा वर्ड लिखा हुआ है जो कि कारपेंटर में नहीं दिया हुआ। अब नेक्टर, नेक्टर दिया हुआ है सारा, कारपेट ई दिया हुआ है, मतलब इसके सारे लेटर दिए हुए। पेंटर, पेंटर का यहाँ पे पी भी दिया हुआ है, ए आई एन आई दिया हुआ है, नहीं आई नहीं दिया हुआ, तो हमारा जो पेंटर है वो गलत है यहाँ पे। उसके बाद टीचर्स, टीचर से क्या क्या बन सकता है, रिच बन सकता है, आई दिया हुआ है, नहीं चेयर नहीं बन सकता, तो इसलिए ये भी नहीं। उसके बाद क्लैडियोस्कोप, क्लैडियोस्कोप में यहाँ पे आपके पास एल भी दिया हुआ है, पैडलॉक, यू कैन से के इज गिवन, या ऑफ कोर्स पैड, यस लॉक, एल ओ सी के, ठीक होगी। पैकेट, डीजल, तो डीजल जो है उसमें डी आई एस आई ई एल गिवन है, पैकेट होगा आई थिंक सो फिर, ठीक है। उसके बाद रिक्रिएशन, रिक्रिएशन से रेशन भी बन सकता है, बिल्कुल
एक्शन भी बन सकता है, यस, टॉन टी ओ आर एन बन सकता है, रेफर आर ई एफ नहीं है भाई यहाँ पे, तो ये आपके पास नहीं बनता। लास्ट एमसीक्यूज करते हैं, सुपर इम्पॉसिबल, स्पायर, स्पायर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, आर भी है ई भी है, रेप्टाइल आर ई पी टी इज़ नॉट देयर, सो वी कैन से टी रेप्टाइल इज इम्पॉसिबल, ठीक हो गया, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ, आ कैमरा ऑलवेज हैज़ रील फ्रेश फोटोग्राफ ये लेंस, सो लेंस हो सकता है, ठीक है, फ्लैश अब ज़रूरी नहीं है, रील्स का भी ज़रूरी नहीं होता। अब बुक ऑलवेज हैज़ पेजेस कंटेंट इलस्ट्रेशंस चैप्टर्स, पेजेस होंगे तो बाद में पेजेस सब कुछ चीज़ें बात की है। देखिए जब तक आपके पास गाड़ी नहीं है ना, आप कुछ भी नहीं है यानी वो कर सकते, जब गाड़ी है तो उसके बाद उसके टायर्स हैं, उसकी सीटें हैं, उसका डैशबोर्ड है, एवरीथिंग इज़ देयर। आ पेन ऑलवेज हैज़ होल्डर इंक निब एंड ट्यूब, निब होगी तब जो है वो पेन मतलब वो होगा। आ कार ऑलवेज हैज़ बम्पर ड्राइवर व्हील्स बुलेट, तो क्या चीज़ उसका होता है हमेशा, ड्राइवर यहाँ पे एक डिफरेंस लग रहा है वो हम कर लेंगे, या व्हील्स, व्हील्स पहले होते हैं, ठीक है। तो आ स्नैरी, अब देखिए यहाँ पे ऐसे बना रहे हैं इसको कि आप एक ऐसी चीज़ का नाम बताएं या वो चीज़ बताएं जिसके बगैर, अब देखें ड्राइवर जब गाड़ी के टायर नहीं होंगे ड्राइवर किस काम का। आ सीनरी हैज़ ऑलवेज कंपोजिशन पेंटर पेंट्स माउंटेन्स, कंपोजिशन में सारे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अ मैन ऑलवेज हैज़ हैंड्स हर्ट फीट टीथ, तो क्या आप समझते हैं क्या होगा, हर्ट होगा मेन ऑर्गन, क्या है मेन चीज़ है हर्ट, ठीक है। आ जेल ऑलवेज हैज, जेल में क्या चीज़ होगी, आपने वो चीज़ बतानी है जिसके अलावा जेल का पॉसिबल नहीं है, लॉक्स ज़रूरी नहीं है, लायर ज़रूरी नहीं है, जेलर, जेलर होने चाहिए, ठीक है, या प्रिजनर भी हो सकता है, प्रिजनर होगा, जब जेल की बात है तो प्रिजनर होगा, ठीक है, सॉरी लॉक्स, चलिए लॉक्स होगा बिल्कुल। अ क्लॉक एज वेल एज नीडल्स, अब नंबर ज़रूरी नहीं है नंबर वाला हो, तो दूसरा भी हो सकता है, नीडल्स उसके ज़रूर होंगे। अ रेस ऑलवेज हैज प्राइज विक्ट्री रिवील्स रेफरी, तो इसमें क्या हो, विक्ट्री हो सकता है या प्राइज भी हो सकता है, रैवल रेफरी भी होगा, रैवल्स, चलें बिल्कुल रैवल्स मेन इसमें आ जाते हैं। एक और कर लेते हैं लास्ट टाइम से क्यूज, आ स्कूल ऑलवेज हैज़ क्या होती है, उसमें बिल्डिंग होगा, बिल्डिंग में फिर सारे आ जाते हैं, या लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्लासेस होंगे, टीचर्स, चलो। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे, वर्बल एबिलिटी को देख लेते हैं भाई। चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, कॉर्पुलेंट, इमैक्युलेटेड नहीं है भाई, ये वकैब अलहमदिल्ला से हमारी गई गुजरी है। सिचुएशन रिएक्शन, फ्रेंडशिप टू यू इज अ बर्डन एंड इमोशनल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू और मोर पीपल, यस। यू फाइंड दैट पर्सन हुम यू कॉल फ्रेंड हैज़ बीन चीटिंग यू, व्हाट वुड यू डू, मेक हिम रियलाइज हिज मिस्टेक, बिल्ड रिलेशन विद हिम, अच्छा ये जो है आपके मतलब माइंड को टेस्ट करने के लिए, अब ये जो है आपके एंट्री टेस्ट में पूछे जाते हैं, स्पेशली जो है ये आपके माइंड को ओपन करने के लिए माइंड टीजरिंग क्वेश्चंस हैं, टीज करते हैं आपको और क्वेश्चन। अब देखें आपका एक दोस्त आपको चीट कर रहा है तो क्या आपको छोड़ देना, नहीं भाई इस तरह नहीं, उसको मेक रियलाइज कर लेना चाहिए ताकि एक बेस्ट सोल्यूशन यही है, ठीक है। बाकी बात, इन अ पब्लिक डीलिंग जॉब्स वन मस्ट बी पंक्चुअल, अ गुड लिसनर, क्विक एट टेकिंग डिसीजंस, पोलाइट एंड हम्बल, अ पब्लिक डीलिंग जॉब्स, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, पब्लिक पोलाइट एंड हम्बल हो सकता है या क्विक एट डिसीजंस हो सकता है, बल्कि पब्लिक डिसीजन, पब्लिक की बात और लिसनिंग होना चाहिए, ठीक है। योर फ्रेंड हैज़ नॉट इन्वाइटेड यू टू हिज मैरिज पार्टी, यू विल अटेंड द सेरेमनी, होल्ड इट अगेंस्ट हिम, सेंड हिम योर बेस्ट विशेज, इग्नोर द होल अफेयर, सेंड हिम बेस्ट विशेज, एक अच्छा, चलो इग्नोर कर देते हैं भाई। अ पर्सन मैनेजिंग द फ्रंट ऑफिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव पेशेंट लीडरशिप, अब देखिए जब मैनेज कर रहा है वो भी लीडरशिप एंड नो दैट्स पर्सनैलिटी, डिसिप्लिन हो सकता है, फिर द पेशेंस, चले उसके बाद हम इसको ज़रा करते हैं नेक्स्ट। सो मूव करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है जी सीरीज कॉम्पिलेशन, लेट्स चेक इट, क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है। अब देखें ये 3, 4, 8, 15 ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, तो कुछ 5 से 4 से 5 कर लेते हैं, आपको एक आइडिया देना है, आपका माइंड ओपन करना है, सो उसके लिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे सो दैट वुड बी अ गुड चांस। जरूरी नहीं है कि आप कहेंगे भाई आप किस ऐप से कर रहे हैं, पता नहीं इससे आने या नहीं आने, ये भूल जाएं कि जो हम करके जा रहे हैं वो ही आएंगे, नो, यू हैव टू मेक कॉन्सेप्ट्स, मेक यू कैन से दैट लॉजिक्स, सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब देखें 1, 3, 5, 7, अब 1, 3, 4, 8, अब देखें यहाँ पे क्या सीक्वेंस चल रहा है, 15, 27, आपने पहले इसमें एक ऐड किया, बल्कि 2 ऐड किए, फिर आपने इसमें 1 ऐड किया, फिर 4 ऐड किए, फिर आपके पास 8 से डायरेक्ट आप 15 पे गए, तो आपके पास कितने तकरीबन ऐड किया आपने, ये आपके पास तकरीबन 7 आपने ऐड किए, ठीक है। और देन यहाँ पे एक और बात भी हो सकती है, वो क्या कि यहाँ पे 2 सीक्वेंस सीरीज चल रहे हैं, ठीक है, 2 सीरीज कौन कौन से, 1, 4, 15, एक ये वाला और दूसरा 3, 8, 27,
ठीक है, तो वो वाला भी हो सकता है। 1, 4, 15। अब देखिए, 1 का स्केयर, फिर आपके पास 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, 4 का स्केयर 15 आएगा, जो उन्होंने 16 आएगा, उन्होंने 15 लिख दिया, ठीक है। तो आपके पास अभी जो है फिर 5 का स्केयर आना चाहिए या 6 का आना चाहिए, जो 36 आएगा, तो 36 के बजाय जो हमें 35 लिखना होगा। लेकिन लेट्स सी, इसका हम सॉल्व कर लेते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया हुआ है। द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ दिस गिवन सीरीज द नेक्स्ट टर्म इज, अच्छा सही है, सही है, 50। तो बिल्कुल उन्होंने इसका सम किया हुआ है, 1 और 3 का सम 4, 3 और 4 का सम, फिर तो 4 4, बल्कि वो अच्छा स्टार्ट से जो वैल्यूज के हैं उन सबका सम ले रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, क्लियर हो गया, यानी इन सबका ये सम ही ले रहे हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, फिर अब 28, 33, 31, 36। देखें 28 से कितना आपने ऐड किया, 5 ऐड किए, 2 माइनस किए, फिर 5 पे ऐड किए, 2 माइनस किए, ये वाला सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पे। तो अब 31 के बाद आपने 36 किया, तो मतलब 5 ऐड किए, अब 2 माइनस करेंगे, 34 आएगा। फिर एक कंप्लीट द सीरीज़, 0.5, 0.55, 0.65, 0.8, कितना आप ऐड कर रहे हैं, देखें 0.5 है, उससे आपने इसको किया 0.55, सो वी कैन से इट्स अबाउट 0.95 समथिंग, या आप 1 कह लें, ठीक है। सो ये तो फिर 1.5 होना चाहिए था, एंड चलें ट्राई कर लेते हैं कौन सा। द पैटर्न इज 0.05, 0.1 प्लस 1, ठीक है, ठीक हो गया, यानी वो सब पीछे वालों को ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है, सवाल किसी भी टाइप का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो कॉम्बिनेशन पढ़ के जा रहे हैं उन्हीं में से आए, कोई न्यू पैटर्न भी आ सकता है। तो आपने बस जो पैटर्न है उसको फॉलो कराना है वहाँ पे, ताकि आपका जो आंसर है वो ठीक है। उसके बाद 1, 4, 27। अब ये भी कुछ ऐसा ही होगा कि 1, 4, 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 4 से किया, आपके पास 4 आया, 4 को आपने जब 6 के साथ किया 24 आया, और 3 ऐड कर दिए, ठीक है। उसके बाद नहीं, बल्कि यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन कुछ डिफरेंट सा है, ये कॉम्बिनेशन है 1, 27 और जो मिसिंग नंबर है उसका, देन 343 का है। दूसरा कॉम्बिनेशन है 4, 16, 36, हमें उसका नहीं देखना अभी, 2 का स्केयर 3 का 2 का स्केयर 4 का स्केयर और 6 का स्केयर, वो वाला कॉम्बिनेशन है, हमें उसका नहीं फाइंड करना, हमें 4 का क्यूब फाइंड करना है, 64 आएगा यहाँ पे। देखें 1 का क्यूब 1 आया, 3 का क्यूब 27 आया, 5 का क्यूब तो ये आपके पास 125 आएगा, सो आप क्योंकि 135 का क्यूब है यहाँ पे। कैलकुलेट द गिवन सीरीज कंसिस्ट ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर एंड स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स, समझ आ गया आपको, अच्छे से क्लियर हो गया। लास्ट एमसीक्यूज का करते हैं, फिर थक गया हूँ मैं, काफ़ी एमसीक्यूज करवा ली हैं। सो 6, 11, 21, 36, 56। तो 6 में हमने कितने ऐड किए, तकरीबन 5 ऐड किए, 11 हुआ, ठीक है। अब 21 कैसे हुआ, आपने उसमें दोबारा 11 ऐड किए, ठीक है, तब ये 21 हुआ, यानी आप एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नहीं, यहाँ पे कुछ और ही कॉम्बिनेशन बन रहा है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 आया, 1 माइनस कर लिया, 11 हो गया। फिर आपने 6 को 3 से किया, 18 आया, या 6 को 4 से कर लें, 6 को 4 से आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आया 24, आपने माइनस 3 कर लिया, 21 हो गया, ठीक है। फिर आपने 6 को 6 से करेंगे, 36 आएगा, और अब आपने कितना माइनस किया, 0 माइनस किया, तो समथिंग लाइक दैट ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। सो 56 का बनेगा, अब भी आपके पास फिर बनेगा, इट वुड बी लाइक 71, लेट मी चेक इट, 81 होगा। फिर दिस पैटर्न इज +5, +10, +15, +20, चलें ये अब सही हो गया, अब क्लियर हो गया, समझ आ गई, ठीक हो गया, बिल्कुल क्लियर, ऐसे ही कॉम्बिनेशन बन रहा है। सो दैट्स इट, तो ये हम उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम और भी करेंगे सेंटेंस कंप्लीशन, अब ये वाले आपके इंग्लिश में आते हैं, ठीक है। फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स आइज व्हेन पीपल आस्क क्वेश्चन दैट थॉट वेरी रेलिवेंट। अब देखिए फिलोसफिकल प्रॉब्लम कब अराइज होते हैं, एलिमेंट्री, एब्स्ट्रैक्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट या डाइवर्स हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तभी जो है वो फिलोसफिकल जो है वो यहाँ पे राइज होता है, ठीक है। क्योंकि रेलिवेंट क्वेश्चन पूछेगा तो प्रॉब्लम ही नहीं बनेगी, एलिमेंट्री पूछेगा तब भी इतना प्रॉब्लम नहीं बनता, सॉरी काट ही दिया मैंने, चलें। सो दैट इज़ डाइवर्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, द एम्बेसडर्स पेपर्स आर नॉट रीडिंग पैटी, वैल्यूएबल रीडिंग, इंसाइटफुल रीडिंग, इजी रीडिंग। तो इंसाइटफुल हो सकता है या इजी हो सकता है, इजी हो सकता है, ठीक है। फार फ्रॉम बींग मेयर रेप्लिक्सिस ऑफ 17th सेंचुरी अफ्रीकन कल्चर, मैरन सोसाइटीज हैव कंटिन्यूली डेवलप्ड एज देयर मेंबर्स हैव कंफ्यूज्ड आर्टिस्टिक हेरिटेज। तो क्या कन्फ्यूज आएगा, रिप्रेस आएगा, डिनाइड आएगा, मॉडिफाइड आएगा,
आप देखें, फार फ्रॉम सेंचुरी मॉडर्न सोसाइटी कंटिन्यूली डिवेल्प, अगर वो डिवेल्प्ड हो रहे हैं तो हो सकता है उन्होंने मॉडिफाई किया हो, ठीक है। ऑल दो द सब्सटेंसेस नॉर्मली क्वाइट इनसॉल्युबल, ठीक है, या वैपिड कह सकते हैं या कॉस्टिक, चलेंगे कोई एक तो एक ठीक हुआ ना। इट्स आयरनिक एंड सम हाउ ट्रेजिक दैट गुड पीपल आर ऑफन डल वाइल एविल पीपल कैन बी एंडलेसली, यू कैन से दैट वट, मतलब फैसिनेटिंग हो सकते हैं या जो है वो स्टबर्न हो सकते हैं, विल बी लाइक दैट, या फैसिनेटिंग होंगे, फैसिनेटिंग है। चलें उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट रैंकिंग क्विज। सो कम नाई सिक्स स्ट्रेंथ फ्रॉम द, ये वाला नहीं आ सकता, मुश्किल है। उसके बाद ऑड वर्ड सीक्वेंस हो सकता है कि इनमें से ऑड कौन सा है, जो मतलब इनमें डिफरेंट है। कैलेंडर डे डे एंड मंथ, तो कैलेंडर डिफरेंट है क्योंकि बाकी उनका एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। उसके बाद कैरेट जिंगर गिंगर जिंगर, और उसके बाद पोटैटो और टोमेटो, तो जिंगर जो है यहाँ पे एक, या आप कह सकते हैं कि कैरेट टोमेटो। चलें उसके बाद पैरेट वल्चर स्वान स्पैरो, सो दैट्स यू कैन से पैरेट, नहीं स्पैरो वल्चर होगा फिर स्वान। उसके बाद मून सन यूनिवर्स, यूनिवर्स इज द डिफरेंट देयर। केमिस्ट्री जियोग्राफी जूलॉजी एंड बॉटनी, तो जियोग्राफी हो सकता है, केमिस्ट्री पूरे सब्जेक्ट का नाम है उसके, जो जियोग्राफी फिर होगा, यस। उसके बाद मैकेनिक इंजीनियर मैसन ब्लैकस्मिथ, मैकेनिक जो है वो कला से आ गया। चलें उसके बाद सिस्टर फ्रेंड ब्रदर फादर, फ्रेंड बाहर वाला है बाकी घर वाले, चप्पल पड़ जाएंगे। जिंक एल्यूमिनियम कॉपर एंड मर्करी, अब यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि उन्होंने क्या ग्रुप से बनाया हुआ है, लेकिन जिंक एक यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है सबसे, या क्यों डिफरेंट है वो हम देख लेते हैं। मर्करी इज़ द ओनली लिक्विड, अच्छा मुझे लिक्विड की बात है, ठीक हो गई, ठीक, प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद लायन चीता बियर टाइगर, तो आप क्या समझते हैं कौन सा हो सकता है, बियर हो सकता है क्योंकि बाकी सारे ताकतवर जानवर हैं। शीट कोट पेन पिल्लो, शीट कॉट फिर कॉट होगा आपके पास, चलें तो ये हमारे पास 10 हो गए। जेब्रा लायन टाइगर हॉर्स, टाइगर जेब्रा लायन टाइगर हॉर्स तेज़ भागने वाले हैं, तो तेबर जेब्रा नहीं आ सकता, या टाइगर आप कह लें, लायन हॉर्स। हेयर ऑल द एक्सेप्ट वाइल्ड एनिमल हु वाइल्ड और कैन डोमेस्टिकेटेड, ठीक हो गया, ठीक क्लियर हो गया भाई हमारी मजाल है। उसके बाद ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स, मैन मोब शीप फ्लॉक फिश सॉल, आई थिंक सो दैट, ठीक है चलेंगे, ठीक हो गया हमारा। और नंबर पेयर ग्रुप और नंबरल और मैन आउट नंबर सीरीज, ये भी हमने करना था। तो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स, लॉजिकल रीजनिंग, यू 59 क्यूबिक ब्लॉक्स, ठीक हो गया भाई आपके पास 59 क्यूबिक ब्लॉक्स हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर दैट नीड्स टू बी टेकन अवे इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ सॉलिड क्यूब विद वन नन लेफ्ट ओवर, क्या आपने सॉलिड क्यूब बनाना है तब जो है उसके ऊपर आपने कितने रखेंगे। अब देखें आपने जो ऑर्डर कंस्ट्रक्ट करना है वो ये मिनिमम नंबर दैट नीड्स टू बी टेकन अवे इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ सॉलिड क्यूब, क्यूब आपने बनाना है, ठीक है। तो क्यूब जिसके तीन साइड्स हों, अब तीन साइड्स का ये है कि ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ क्यूब विद नॉन लेफ्ट ओवर, तो इससे आप कितना जो है कॉम्बिनेशन का बनाएंगे। अब देखें आप अगर 59 का 3 में डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 29 एंड 19, तो इट वुड बी लाइक 20 जो है उसे अगर आप डिवाइड करते हैं, लेकिन देखें क्योंकि डिवाइड हम इसको इक्वली नहीं कर सकते क्योंकि एक साइड जो है वो छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको एक डिफ्रेंशिएट करके रखना पड़ेगा, 33 मुझे लग रहा है या 31 लग रहा है मुझे, 32 कर लेते हैं फिर। द नेक्स्ट नंबर इज़ बिलो 6444 इज 2733, ठीक हो गया। इन ऑर्डर कंस्ट्रक्ट अ सॉलिड क्यूब देयरफॉर विद नॉन लेफ्ट ओवर 59 और 27 32 ब्लॉक्स नीड टू बी टेकन अवे, सही हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद अब ज़्यादा दिल नहीं कर रहा, दिमाग ख़राब हो गया मेरा, ऐसा सवाल पढ़ के ना दिमाग ख़राब होता है सच में। तो ब्लड रिलेशन वाले आप बहुत सारे आते हैं, ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, ये वो है और ये वो है, देयर सिक्स पर्सन्स, ये हम कर लेते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट है तो इस वजह से इसको करना ज़रूरी है। सो उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट की तरफ और फिर देखते हैं हम, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मोबाइल से रिकॉर्डिंग कैसी होती है, मीन्स आपको ये स्क्रीन क्लियर नज़र आता है या नहीं, तो फिर जो है हम इसको नेक्स्ट वीडियोज़ में अगर ये सही होता है तो हम इसको प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज़ फिर मैं इसको लैपटॉप पे शिफ्ट करके फिर किसी लैपटॉप की वेबसाइट से आपको ये जो है लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करवाया करूँगा। अब क्योंकि नेट मेरे पास नहीं है, आपको पता है वो मुहर्रम उसकी वजह से बंद है, तो मैं फ्री बैठा था तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाई जाए। देयर सिक्स मेंबर्स ए बी सी डी एफ, ठीक है, सी इज़ द सिस्टर ऑफ एफ, सी जो है वो एफ की सिस्टर है। अब एफ के बारे में आपका क्या ख्याल है, यानी सी जो है वो एक गर्ल है, तो एफ जो है वो एक बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है,
देखिए, मैं आपको आपको कहूँ कि सी जो है वो मेरी सिस्टर है, तो मतलब मैं एक बॉय हूँ, ठीक है। अब मैं अगर गर्ल को मैं अगर एक गर्ल हूँ तब भी मैं यही कहूँगा ना कि वो मेरी सिस्टर है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर कहता है बी इज़ द ब्रदर ऑफ ई, इज़ हस्बैंड, मतलब ई जो है वो एक गर्ल है, ठीक है, और उसका हस्बैंड जो है वो हमें ढूंढना है। तो उसका हस्बैंड लेट्स सपोज जो भी है, ये जो डी बी है वो उसका ब्रदर है, बी ब्रदर है और बॉय है, ठीक है, क्योंकि हमने जेंडर का बहुत ख्याल रखना है, वो आपसे जेंडर का पूछ सकता है, मेल मेंबर देखे, उसने मेल मेंबर का पूछा हुआ है, तभी आपको बता रहा हूँ। डी इज़ द फादर ऑफ ए, डी जो है वो ए का फादर है, डी जो है मतलब वो एक मेल है और फादर है। अब फादर वगैरह आप ना भी याद रखें कि मेल का पूछा हुआ है, एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ, मतलब ग्रैंड फादर ऑफ एफ, अब एफ का जो है वो ग्रैंड फादर है, तो हो सकता है जो ए है, ठीक है, ए जो है वो सी और एफ़ का फादर है, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि फिर वो जो डी है वो ग्रैंड फादर में चला जाएगा, ये ए और सी दोनों का जो है वो फादर है, सी और एफ का फादर है ए जो है, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द ग्रुप, सो ए बी सी डी ई एफ। अब देखें जो आपके पास एफ है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, ठीक है, तो हम उसे हम ज़रा एक में ले लेते हैं। डी जो है वो मेल है, ए मेल है, डी मेल है, ए मेल है, बी मेल है, क्योंकि वो बी ब्रदर है उसका, ठीक है, और ई गर्ल है, ठीक है। तो अब ज़रा आप देखें तो आपके पास तकरीबन तीन मेंबर्स तो बन चुके हैं, तो हम अगर एफ़ के बारे में करें तो फिर फोर होंगे, अदरवाइज तीन होंगे, लेट्स चेक इट, फोर फिर कर लेते, बिल्कुल। देखिए उसने कहा है डी इज़ द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंड फादर ऑफ, सो ए इज़ द फादर ऑफ एफ, मैंने आपको बताया, थस डी एंड ए आर द टू फादर्स, ठीक है, बिल्कुल। सी इज़ द सिस्टर ऑफ एफ, द डॉटर ऑफ ए, द ए की डॉटर, सिंस देयर आर ओनली वन मदर, इट इज़ एविडेंट दैट ई इज़ द वाइफ ऑफ ए एंड हेंस द मदर सी एंड सी एफ ऑफ सी एंड सी एंड सी एफ, सो बी इज द ब्रदर ऑफ ए, देयर आर थ्री ब्रदर्स, सो एफ इज़ द ब्रदर ऑफ सी, एफ बी ब्रदर है, वो बॉय है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे फिर मतलब चार मेंबर्स लेने पड़ेंगे कि चार जो है वो बॉयज़ हैं। उसके बाद पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ बॉय, सुरेश सेड, सुरेश ने एक तस्वीर लगी, उसने कहा ही इज़ द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर, ये मेरे वालदा का एक ही बेटा है, ठीक है, एक ही बेटा है, मीन्स इज टॉकिंग अबाउट, यू कैन से दैट एक ही बेटा है, तो हाउ सुरेश, तो सुरेश इज टॉकिंग अबाउट, ही इज सुरेश रिलेटेड टू द बैड बॉय, ही इज सन ऑफ द ओनली सन, ही इज सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, मेरी वालदा के बेटे का वो एक ही बेटा है, तो मतलब वो अपने बेटे की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना फादर हो सकता है, तो बिल्कुल फादर अपने बेटे की बात कर रहा है कि ये जो मेरी वालदा है, यानी मैं कहता हूँ मेरी दादी जो है वो मेरी दादी के बेटे का एक ही बेटा है, यानी तो उसका मेरी दादी के एक बेटे का, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरा वो बेटा है, तो उसने बस उसको घुमा दिया। इफ़ ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो बी का ब्रदर है, ठीक है, बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, बी इज़ द सिस्टर, यानी बी से हमें क्या क्लियर हुआ कि बी जो है वो एक गर्ल है, ए जो है वो एक बॉय है, और सिस्टर ऑफ सी, तो यानी सी का सिस्टर, अब सी के बारे में नहीं, सी इज़ द फादर ऑफ डी, सी जो है वो एक फिर मेल है, और मेल जो है वो फिर डी का जो है क्या है, फादर है, ठीक है, तो डी इज़ रिलेटेड टू ए, तो डी का ए से रिलेटेड क्या रिलेशन है। अब देखें ए जो है वो बी का ब्रदर है और बी जो है सी का सिस्टर है, तो मतलब ए बी सी जो है वो आपस में ब्रदर सिस्टर है, तो अब डी का जो है वो जो है आप ये कह लें कि अब ए जो है रिलेटेड ब्रदर सिस्टर होंगे, सो कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी हो सकता है। इफ़ डी इज़ द मेल द आंसर इज़ नेफ्यू, ठीक है, इफ़ डी इज़ फीमेल द आंसर इज़ नाइस ही, तो ये नहीं, ये है कि हमें डी पे डिपेंड करना है कि डी का जो फादर है, अब डी जो है वो अब मेल है तो फिर नेफ्यू आ जाता है, लेकिन अगर एज द सेक्स ऑफ डी इज़ नॉट ऑन आंसर रिलेशन बिटवीन डी ए एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डाटा इज इनसफिशिएंट देयर, ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं स्किप, क्योंकि इस तरीके से मुश्किल आते हैं, चले तो कभी सही हो गया। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अ गर्ल सेड ही इज़ द सन ऑफ डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई अंकल, हाउ इज़ द बॉय रिलेटेड टू मी, तो अब ही इज़ द सन ऑफ डॉटर of the father of my uncle, he is daughter of the father of my uncle, यानी मेरे जो अंकल हैं उसके फादर, यानी मेरे अंकल, यानी अपने दादा की बात कर रहा है, दादा की बेटी यानी मेरी फुप्पो, फुप्पो की जो है वो क्या है जी आपके पास सन है, तो वो आपसे क्या कैसे रिलेटेड होगा, नेफ्यू हो सकता है या सन ला वगैरह उसमें आ जाता है, बल्कि ये भी नहीं है, अंकल नहीं ब्रदर, चलें अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे, और इतने काफ़ी हैं, बाकी हम ज़्यादा इसमें नहीं करते, फिर हम आएंगे इंशाल्लाह और करेंगे। आप हमारे पास में और भी हमारे पास एमसीक्यूज काफ़ी सारे हैं इंग्लिश के, आप देख सकते हैं वर्ब वगैरह, वर्ब नॉलेजेस, वर्ब्स, वॉइसेस, सो ये हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताकि हमारी इंग्लिश अच्छी हो। उसके बाद एप्टीट्यूड के भी हमारे पास क्वेश्चन हैं कि एरिया, एवरेज, यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो ये वैसे कम ही आएंगे, मुश्किल है, लेकिन कर लेंगे, आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। फार्मूलाज यहाँ पे कुछ है हमारे पास, लॉजिकल एप्टीट्यूड, तो हम इनको सॉल्व करेंगे कि कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है। सायलॉगिज्म जो है ये आता है और सिलेबस में, इसको देख लेते हैं, बल्कि अभी नहीं कर रहे, या चले हम इसको कर लेते हैं। सायलॉगिज्म क्या है, जो आप वो करते थे ना कि आपने किए होंगे, आपको याद होगा, जो हम वेन डायग्राम जिसके लिए बनाते थे कि ए इज़ द सम ऑफ बी, या ऑल फादर्स आर ब्रदर्स, ऑल माउस आर कीबोर्ड, सम माउस आर कीबोर्ड, नन माउस इज कीबोर्ड, तो उसके वाले से ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ऑल पिग्स आर डक्स, हे पिग्स इज अ सब्जेक्ट एंड डक्स इज अ प्रेडिकेट, ऑल पिग्स आर डक्स, यानी आपने एक डक का सर्कल बना के उसमें सारे के सारे पिग को ऐड कर देना है। अब इसी तरह यहाँ पे नीचे आप देखें, अगर वो आल आल की बात करे तो आल सारे, अगर आल नो की बात करे तो नो आ जाएगा, आल को आपने छोड़ देना है। ऑल सम की बात करे तो नो कंक्लूजन आप इसको ड्रा नहीं कर सकते, फिर सम ऑल की बात करे तब भी आपने सम लेना है, सम सम की बात करे तब भी नो कंक्लूजन, सम नो की बात करे सम नॉट, यानी कुछ आपने वो कर लेना है। अब ये आपको हो सकता है अभी समझ ना आ रहे हो, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियरली मैंशन हो जाएंगे, सो डोंट वरी रिगार्डिंग दैट। तो ये जो आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं, हम फिर बाकी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।